पिछले 24 घंटों में राज्य में लगभग सभी जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ में कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश है 129.4 मिलीमीटर चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 36.5 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया है। मुख्य वर्षापात की बात करें तो चाईबासा में 129.4 मिलीमीटर, लेस्लीगंज पलामू में 98.2 मिलीमीटर, पलामू शहर में 85 मिलीमीटर, पुटकी धनबाद में 85 मिलीमीटर, महुआदार में, लातेहार में 76 मिलीमीटर, टुंडी में 72 मिलीमीटर, झीकपानी में 67 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश देखने को मिली है। शेष पूरे झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को कल में मिली है। और सिनोप्टिक फीचर की बात करें तो मॉनसून ट्रफ जो अभी पास कर रहा है बीकानेर, उरई, सिद्धी, रांची, दीघा होता हुआ ईस्ट साउथ ईस्टवर्ड टू ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक वो एक्सटेंड कर रहा है मीन सी लेवल। और साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे हुए रीजन में देखने को मिल रहा है और ये 4.5 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है दक्षिणी बांग्लादेश से सटे हुए जो गंगीय पश्चिम बंगाल है वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है और ये वर्टिकली 4.5 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। तो ये दोनों सिस्टम की वजह से झारखंड में आपको आज में भी और आने वाले दिनों में भी मौसमी गतिविधि देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं फोरकास्ट की, तो पूर्वानुमान की, तो आज में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और यही सिलसिला आपको 18 तारीख तक भी देखने को मिलेगा। राज्य में लगभग सभी स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो अभी आने वाले 5 दिन कुछ कुछ जगहों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी, साथ में गर्जन वज्रपात की भी स्थिति बनती हुई दिखेगी जिसको लेकर लोगों को खास हिदायत रखने की सलाह दी जाती है कि गर्जन वज्रपात के समय में आप पेड़ के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका इस्तेमाल कम से कम करें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। खुले में हैं तो आप जो अपने आप को न्यूनतम प्रस्तुत करें, कॉक पोजिशन में बैठ सकते हैं जिसे आप न्यूनतम अपने आप को प्रस्तुत करें। और भारी बारिश के जो एरिया है तो 14 तारीख में आज में दक्षिणी एवं मध्य भाग जो झारखंड का जो कोल्हान है उससे सटा हुआ इलाका और रांची समेत जो मध्य भाग है लोहरदगा, गुमला, रामगढ़ इन इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है और यही स्थिति 15 तारीख को भी रहेगी। इनके साथ में जो आप जो दक्षिणी मध्य के साथ में कुछ जो पूर्वोत्तर के जो जिले हैं जिसमें बोकारो, धनबाद है वहाँ पर भी आपको भारी बारिश जैसी स्थिति कल में देखने को मिल सकती है। 16 तारीख में जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं जिसमें गुमला, सिमडेगा, कुटी और पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका आ जाता है और उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं कुटी, रांची, लोहरदगा तो वहाँ पे कुछ स्थिति आपको कुछ कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और 17 तारीख में भी दक्षिणी के साथ में उत्तर पूर्वी जो संथाल का इलाका है और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको एक जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 18 तारीख में भी दक्षिणी मध्य और उससे सटे हुए जो उत्तरी भाग है जिसमें हजारीबाग, गिरिडीह, लातेहार है इन इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और कुछ कुछ जगह पे भारी बारिश की भी स्थिति बनती हुई दिखेगी जिससे किसान भाइयों के लिए ये मतलब एक अच्छा सिग्नल देखने को मिलेगा। और अभी तक की जो मानसून की स्थिति की बात करें तो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है, एक्चुअल रेनफॉल है 556.4 मिलीमीटर हुआ है जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 650.2 मिलीमीटर है और जो विचलन है डिपार्चर वो -14% है, -14% है। और अभी तक 15 जिले हैं जो सामान्य कैटेगरी में हैं और 9 जिले हैं जो थोड़ी डिफिशियंट कैटेगरी में हैं क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बारिश होगी जिससे कि ये जो डिपार्चर है ये इसमें और थोड़ी सी कमी आने की संभावना जताई जा रही है और जो डिफिशियंट वाले इलाके हैं वहाँ पर भी थोड़ी बारिश में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।